झारखंड में इन दिनों सरकार और सरकार की पार्टी विकास का मिशन छोड़कर मिशनरियों के पीछे पड़ गई। विकास का दामन थाम कर सत्ता तक पहुंची पार्टी दोबारा सत्ता की रेस में आने के लिए मुद्दा बदल रही है। राज्य में बीजेपी हिंदू मुस्लिम का राग भूलकर सरना ईसाई की जाप करने में जुटी। सरकार ने कुछ महीने पहले राज्य में धर्मांतरण बिल पास कराया और अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सेंटर से 4 बच्चे बेचने की घटना के बाद पूरे मिशनरी संस्थानों की जांच करवा रहे। बीजेपी के नेता ईसाइयों को आरक्षण की सीमा से बाहर करने की बार बार तरफदारी कर रहे। थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर की ओर से सुशासन पर जारी रैंकिंग में देश के 30 राज्यों में झारखंड को 28वां पायदान मिला है। इस पर चिंता के बजाय सरकार अपनी मिशन में जुटी है और रोज मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सेंटर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीमें जांच के लिए पहुंच रही। पालन पोषण हो, बच्चों को परिवार मिले और डेस्टिट्यूट बच्चे जो हैं उनकी देखभाल करेंगे, अगर वो बच्चों को बेचने के काम में ट्रैफिकिंग में संलग्न होंगे तो ये देश को शर्मसार करने वाली घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कानून अपना काम कर रहा है, इसमें जितने भी लोग और दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई होगी। बेंगलुरु का ये थिंक टैंक है और जैसे झारखंड ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लेबर रिफॉर्म्स में और विकास दर में लंबी छलांग लगाई है रैंकिंग में पूरे राष्ट्र में अगर आप देखें तो, उसके बाद अगर ये थिंक टैंक झारखंड को इस तरह के नीचे की रैंकिंग देता है और झारखंड के साथ साथ बिहार को भी ऐसी रैंकिंग देता है तो ये थिंक टैंक का जो सर्वे है ये कई सवाल खड़े करता है। राज्य में विगत दिनों 2 बड़ी सामाजिक घटनाएं हुई जिसमें एक बच्चा बेचे जाने का मामला था तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत स्वामी अग्निवेश पर हमला। एक मामले में सरकार ने CID जांच से लेकर मिशन की गतिविधियों पर पूरी जांच बिठा दी तो वहीं दूसरे मामले में अब तक लिपापोती ही चल रही। जांच अधिकारी इस मामले में खामोश है तो वहीं हमलावर छुट्टे घूम रहे हैं क्योंकि वे सत्ताधारी दल से ताल्लुक रखते हैं। सेवा का काम कर रहे हैं, एक घटना हुई है, एक कर्मचारी को किया है, उसके चलते पूरा देश भर का संस्था और यहाँ तक बोल गई, बोलने तो बोलते मेनका जी कि मदर टेरेसा से भी सम्मान वापस ले ले जो लॉरियट है जिसको कि पद्म श्री ही नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। सामने बैठे हुए लोग और जिम्मेवार जो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेवार है प्रशासन के, उनके मानो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रहा है और इसलिए आज आकर के तो हम शॉक्ड रह गए कि हम राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए भी हमने ये नहीं देखा था कि यहाँ पर ये लोग इतनी सेवा का काम कर रहे हैं। राज्य में मॉब लिंचिंग से लेकर बच्चा चोरी के आरोप में 4 लोगों की पीट पीट कर हत्या जैसी वारदात भी हो चुकी है। खूंटी में पत्थलगड़ी से लेकर सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं कई सवाल खड़े करती है। सामाजिक ताना बाना हाशिए पर चला गया है लेकिन बीजेपी की सरकार अपने मिशन 2019 पर कायम है। कशिश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।